दो दशक पहले सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में फिल्म उस समय हिट मानी जाती थी जब फिल्म टिकट के लिए लंबी लाइन लगती हो, सीटियों और शोरगुल गूंजने वाले थिएटर का जादू मल्टीप्लेक्स कल्चर ने खत्म कर दिया। शहरों के सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल या तो बंद हो गए या तो मल्टीप्लेक्स में तब्दील हो गए, मगर वाराणसी का आनंद मंदिर शान से दर्शकों को फिल्म दिखा रहा है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज को जीवनदान देने वाला आनंद मंदिर ने में भी कभी दर्शक कम नहीं पड़े। अपने 57 साल के इतिहास में आनंद मंदिर ने कई सिल्वर और गोल्डन जुबली फिल्मों को दर्शक तक पहुँचाया है। अब यह भोजपुरी फिल्मों के जरिए लोगों को मनोरंजन करा रहा है। बीते 20 सालों से वाराणसी के आनंद मंदिर की स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी सिनेमा का कब्जा है। हालत यह है कि भोजपुरी सिनेमा के कलाकार और निर्माता भी चाहते हैं कि उनकी फिल्म का शो आनंद मंदिर में हो। वाराणसी के तिलियाबाग इलाके से संचालित होने वाले आनंद मंदिर के प्रति सिनेमा के मुरीदों का की श्रद्धा है। 1965 में शुरू हुए सिनेमा हॉल किसी वक्त हिंदी सिनेमा जगत की बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए महत्वपूर्ण हॉल माना जाता था। वाराणसी की इस सिंगल स्क्रीन थिएटर में शोले, खिलौने समेत हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज की बड़ी बड़ी फिल्मों को सिल्वर जुबली मनाई थी। 2004 में मल्टीप्लेक्स की शुरुआत होने के बाद सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल पर संकट घर आने लगा तो आनंद मंदिर सिनेमा हॉल के संचालक ने अपनी रणनीति बदल दी। उस वक्त भोजपुरी सिनेमा में सिर्फ 1-2 बड़े कलाकार मौजूद थे। मनोज तिवारी और रवि किशन 2004 में आई ससुरा बड़ा पैसे वाला मनोज तिवारी की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण ब्रेक साबित हुआ। इस फिल्म ने मनोज तिवारी को स्टार बनाया तो भोजपुरी फिल्म को दशकों बाद दोबारा दर्शकों का प्यार मिला। ससुरा बड़ा पैसा वाला आनंद मंदिर सिनेमा हॉल में 32 हफ्ते तक चली और भोजपुरी सिनेमा के लिए सिनेमा हॉल एक मंदिर बन गया। भोजपुरी पिक्चर जब आई ससुरा बड़ा पैसा वाला, तो वो उसको लगाया गया और वो पिक्चर हमारे यहाँ 32 हफ्ते चली। तब हम लोग को लगा कि नहीं, अब ये भोजपुरी पिक्चर का पोटेंशियल काफ़ी है और पब्लिक हमारे यहाँ इसकी एक अच्छी तादाद में है। पता है कि विधायक और सांसद और ये लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और फ़ोन कर कर के प्रेशर बनाते हैं कि नहीं आप हमारी ही फिल्म, हमारी इसकी फिल्म चला दीजिए, इसकी फिल्म चला दीजिए। अब ये जैसे इतिहास होता है, इतिहास बन के रह गया है। अब मल्टीप्लेक्स के जो है स्क्रीन जो आ गए हैं और वो प्रभावी हो गए हैं, बिजनेस भी उन्हीं से मिल रहा है। सिंगल स्क्रीन लगभग खत्म हो गए हैं, मद्रास में भी 2-3 सिनेमा रह गया है और जो बड़े जगह थे लखनऊ थे कानपुर थी सब जगह लगभग खत्म हो चुका है। तो सिंगल स्क्रीन का कोई तो भविष्य है नहीं, इतिहास बन के रह गए। आनंद मंदिर का थोड़ा सा इतिहास अलग है। 1965 में ये सिनेमा आया और ये इसके 3 फेज रहे अब तक के। 65 से आज कितने साल हो गए, लगभग 53-54 साल का इतिहास हो गया है। तो उसमें 3 फेज रहा है। पहले ये सिनेमा जब खुला 65 में तो हिंदी पिक्चरें लगनी शुरू हुई और बड़ी बड़ी पिक्चरें सिल्वर जुबली, जितनी सिल्वर जुबली बनारस आनंद मंदिर में किया होगा फिल्मों ने, उतना किसी जगह नहीं हुआ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए पब्लिक वाइब ऐप के साथ।